तो फ्रेंड्स, क्या लगता है आपको, इस बार रोहतांग पास खुलेगा या नहीं? तो थंबनेल आपने देखा ही होगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो डोंट वरी, आज इस वीडियो में आपकी यही कन्फ्यूजन दूर करने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना। Please click on subscribe button and hit the bell icon for latest updates. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दिस इज़ योर होस्ट नवीन ठाकुर। और मेरे भाइयों, सब बढ़िया हो? इससे पहले आज की वीडियो करता हूँ स्टार्ट, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप हो अगर ट्रैवल लवर या फिर हो एडवेंचर सीकर, तो प्लीज़ अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल में आपको ऐसी ही चीज़ें मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को पूरा देखना, बिकॉज आज की वीडियो में देने वाला हूँ आपका सबसे ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन का जवाब। जी हाँ, ऐसा क्वेश्चन, और एक्चुअली ऐसा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है कि अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ है। तो आज का जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो है, रोहतांग पास कब ओपन होगा? तो एक्चुअली आज बात करने वाले हैं हम रोहतांग पास की, और कह सकते हैं कि जितने भी डाउट्स हैं वो रोहतांग पास से ही उठाऊंगा और उसका जवाब आपको दूंगा वन बाय वन। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जो रोहतांग पास की बात है, बहुत ही ज़्यादा लोग कंफ्यूज हैं, इवन हम खुद कंफ्यूज हैं कि कब हमें भी रोहतांग पास जाने को मिलेगा। जी हाँ, क्योंकि रोहतांग पास है इतना खूबसूरत कि उसको देखने का मन हमेशा ही टूरिस्ट का करता है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अभी आप कमेंट सेक्शन में लिख दें कि क्या आपका मन भी है रोहतांग पास देखने का या नहीं। और है तो है, बट आपको भी डेट्स का पता नहीं है, जिसके कारण आप भी काफ़ी उसको एक्सटेंड करवा चुके हैं अपनी डेट्स को मनाली आने के लिए। तो फ्रेंड, सबसे बड़ी बात बोल दूं, जब तक रोहतांग पास नहीं खुलता है तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करता हूं कि आप अपना थोड़ा, अगर आपके पास मौका है तो अपना जो ट्रिप है वो थोड़ा सा लेट करें, क्योंकि रोहतांग पास के जल्दी खुलने के आसार नहीं हैं। तो ट्राई करें कि अगर आप नेक्स्ट वीक में आने की ट्राई करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इस वीक पे तो बहुत ही कम चांसेस है कि रोहतांग पास ओपन हो या नहीं हो। एक्चुअली जो रोहतांग पास खुलने का डेट थी पहले, जो खुफिया सूत्रों के द्वारा लगा था पता, वो 16th of May थी, बट खुलने वाला तो था 16th of May ड्यू टू अभी लेटेस्ट स्नोफॉल जो कि ऊपर हुआ है रोहतांग पास में, उसके कारण काफ़ी बर्फ़ है वो फिर से जम चुकी है और सड़कों पे आ चुकी है। तो फिर से दोबारा से उन्हें स्नो साफ करनी पड़ेगी और उनको रोहतांग पास फिर से खोलना पड़ेगा, और जिसमें कि टाइम काफ़ी लगेगा। जी हाँ, कम से कम, अब मैं अपनी पर्सनल व्यू बोलूँ, अगर कल से फिर से मौसम साफ़ हो जाता है बिल्कुल, तो कम से कम भी अभी 5 to 6 days लगेंगे रोहतांग पास ओपन होने को। जी हाँ, बिल्कुल कान खोल के सुन लो, और मेरी यहाँ पे यही सजेशन है कि अगर आप ट्राई करें तो नेक्स्ट वीक ही आएँ, इस वीक आने की इस वीक आने की गलती तो नहीं बोल सकता। मनाली में और भी काफ़ी ज़्यादा प्लेसेस हैं घूमने के लिए, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ रोहतांग पास ही है, बट अगर आपकी रिक्वायरमेंट और आपकी जो इच्छा है वो सिर्फ़ और सिर्फ रोहतांग पास देखने की है, और कह सकता हूँ कि अगर आप हो सिर्फ रोहतांग पास के फ़ैन, तो फिर आपको दूसरी जगह दिखा के कोई फ़ायदा नहीं। तो आएँ अगले हफ्ते, इस हफ्ते मत आएँ, क्योंकि अगर जिस तरह की आज भी बारिश हुई है, पिछले कल भी थी यहाँ पे बारिश मनाली में, तो रोहतांग पास में तो ऑब्वियसली सीधा स्नोफॉल हुआ होगा, जिसके कारण रास्ते फिर से बंद हो चुके हैं। तो रोहतांग पास मुझे नहीं लगता कि इस वीक खुलेगा, अगर बारिश हुई बीच में तो ट्राई करें कि नेक्स्ट वीक तक आएँ, और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक तक रोहतांग पास खुल जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली लगभग 70 to 80% खुल जाएगा, बाकी जो है सब ऊपर वाले पे है। तो जो अगला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा है कि लोगों ने, कि मान लीजिए अगर रोहतांग पास कल खुलता है, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा, कि मान लो 20th of May खुलता है, क्या उसके बाद फिर हैं चांसेस कि वो फिर से बंद हो जाए? तो इसका जो जवाब है वो जी हाँ, रोहतांग पास फिर से बंद हो सकता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, रोहतांग पास का ऐसा ही है, अगर फिर से बर्फ़ पड़ी या ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्नो हुई तो उसके कारण वो बंद किया जाता है फिर से, क्योंकि इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते टूरिस्ट का, और चाहे वो लोकल हो, लाहौल स्पीति के हो या फिर कुल्लू मनाली के हों, तो जान बड़ी है, तो जिसके कारण वो बंद करना पड़ता है। और मेरे ख्याल से ये काफ़ी अच्छा डिसीज़न होता है कुछ टाइम के लिए बंद करना। यहाँ पे एक और भाई ने एक क्वेश्चन पूछा है
कि मैं सुबह सुबह निकल जाऊंगा रोहतांग पास के लिए, तो मुझे परमिट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड, ऐसा नहीं है। अगर आप रात को 2 बजे भी निकल जाते हो रोहतांग पास के लिए, तो भी आपसे परमिट लिया जाएगा गुलाबा में। तो वो चेक पोस्ट पॉइंट है, आप उसके सिवाय कहीं से नहीं जा सकते हो। अगर हाँ, आपके लिए अगर आप स्किप करना चाहते हो उस परमिट को, तो आप पैदल जा सकते हो, बट ये हाईली डेंजरस है, हाईली हाईली डेंजरस। तो याद रखना, ऐसी गलतियाँ ना करना, और प्लीज़ उस परमिट को लेके ही जाएं, और आराम से, जान है तो जहाँ है, वरना कुछ भी नहीं। तो ट्राई करें, सेफ रहें, और ऐसी गलती ना करें। तो बिना परमिट आप नहीं जा सकते हो बियॉन्ड गुलाबा। गुलाबा तक आप चाहे 2 बजे जाओ, चाहे सुबह 4 बजे, तो आपको जाने दिया जाएगा, बट टिल गुलाबा, उसके बाद आपको बिना परमिट की एंट्री नहीं होगी। तो फ्रेंड, जो अगला क्वेश्चन है, वो भी काफ़ी लोगों ने पूछा है कि सर, रोहतांग पास का तो अभी खुलने वाला है रास्ता, बट मनाली लेह कब खुलेगा? तो फ्रेंड, सबसे बड़ी बात बता दूं आपको कि मनाली और लेह में सिर्फ ऐसा नहीं है कि रोहतांग पास ही एक बैरियर है आपके सामने, बट हाँ, बहुत बड़ा बैरियर है, और कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा बड़ा। क्योंकि अगर रोहतांग पास क्लियर होता है, तो उसके बाद लाहौल घाटी के लिए आपको लगभग रोड्स क्लियर रहते हैं। बट ऐसा नहीं है कि मनाली लेह में और बीच में कोई नहीं आएगा, बाकी भी आते हैं। बारालाचा पास आता है, जो बहुत ज़्यादा स्नोक रखता है अपने में। इवन लास्ट ईयर पता है आपको कि रोहतांग पास में बिल्कुल बर्फ़ नहीं थी, बट बारालाचा में बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये बारालाचा है लास्ट टाइम पे, जिस टाइम पे अभी स्नो कहीं पे नहीं थी। इवन टेंगलंगला पास भी नहीं थी, जो कि लगभग 17,900 फीट के पास है, वहाँ पे भी नहीं थी, बट बारालाचा में थी। तो वो हिमाचल रीजन में पड़ता है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो होती है, जो आपका लद्दाख वाले रीजन की उतनी टेंशन नहीं होती है, क्योंकि वहाँ स्नो कम गिरती है एज़ कम्पेयर टू इन बारालाचा के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो लगभग डेजर्ट एरिया के आते हैं लद्दाख के। तो वहाँ तो खुल जाएगा रास्ता मोस्ट प्रॉबली, अगर एक बार खुल गया तो, बट बारालाचा भी दिक्कत करेगा। तो यहाँ पे एक बात बता दूँ, अगर रोहतांग पास आपका लगभग 22-23 मई तक खुल जाता है, 8 से 10 दिन और चाहिए मनाली लेह हाईवे खुलने को। तो बस मोस्ट प्रॉबली याद रखना कि जून 2 और 3 के बाद खुल जाएगा मनाली लेह हाईवे। बट वो भी बोल रहा हूँ, वही सिनारियो सब, इस बार वेदर का बहुत ज़्यादा प्रकोप रहा है जो भी रास्ते खुलने के लिए। तो ट्राई करें, अगर आपका लद्दाख ट्रिप है, वो भी आप 2 से 3 के बाद ही ट्राई करें, क्योंकि हम जो कीपेल एक्सपीडिशन भी लद्दाख के ट्रिप कराता था, वो भी हमें थोड़े से लेट करने पड़े इस बार, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा हौच पौच हो चुका है। तो अब देखते हैं मनाली लद्दाख कब खुलेगा, बट जैसे ही कोई अपडेट आती है मनाली लद्दाख के बारे में, तो मैं आपको सबसे पहले आपको बताऊंगा। इसके बाद मैं डाउट नहीं, एक सॉल्यूशन बता रहा हूं कि अगर आपका सबसे बड़ा प्लान ये है कि हमें स्नो देखनी है, क्योंकि काफ़ी लोग नीचे से आते हैं, साउथ से आते हैं, तो उनको ये टेंशन हो रही होगी कि इतना दूर ट्रैवल करेंगे हम। इवन गुजरात से भी आते, तो काफ़ी ज़्यादा हज़ारों किलोमीटर का सफ़र करते हो आप, और यहाँ मनाली आते हो और सोचते हो कि रोहतांग पास देखना है, हमें स्नो देखनी है। तो यहाँ के लोगों के लिए तो वो एक नॉर्मल सी बात है, या फिर जो काफ़ी लोग बोलते हैं कि यार स्नो क्या देखनी, बट मुझे पता है जिसने नहीं देखी होती आज तक स्नो, उसको कितनी खुशी होती है वो स्नो वाला मोमेंट पाके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक छोटी सी अपडेट है कि अगर रोहतांग पास नहीं होता है ओपन, तो भी टेंशन की बात नहीं। आपने अगर टिकट्स बुक की हैं, या फिर जो भी आपकी बुकिंग वगैरह हो चुकी है, उन्हें वैसे ही रहने देना, तो आप सीधा आ सकते हैं मनाली, और मनाली से मढ़ी तक का जो भी पासिस हैं, उसके लिए गुलाबा का आपको परमिट लेना पड़ेगा, और उसके बाद ही आप जा सकते हो मढ़ी। और मढ़ी में याद रखना, वहाँ पे भी स्नो है, और आप स्नो का मज़ा भी ले सकते हो। बट यहाँ पे वही बात है, काफ़ी लोगों ने ये भी पूछा था, क्या मढ़ी और रोहतांग लगभग सेम है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बता दूँ, ऐसा नहीं है कि सेम है। रोहतांग की जो फीलिंग है, वो रोहतांग की ही है। तो रोहतांग पास के बराबर और भी पास देखे हैं मैंने, बड़े बड़े पास देखे हैं, बट रोहतांग पास की एक जो फीलिंग है, और जो उसकी खूबसूरती है, वो उसको अलग बनाता है बाकी पासिस से। तो रोहतांग पास का अगर मिल जाता है, तो ही बोल रहा हूँ, अगर आप रोहतांग पास के ही फ़ैन हैं, तो थोड़ा वेट कीजिए और उसके बाद आएँ, क्योंकि इस बार याद रखना, स्नो कहीं नहीं जाने वाली। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और बता दूँ कि काफ़ी लोगों का ये भी डाउट था कि क्या हमें जून 10 तक स्नो मिलेगी, या 15 तक स्नो मिलेगी। तो इस बार मैं बताता हूँ आपको कि टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस बार जून में भी काफ़ी लेट तक स्नो टिकी रहेगी रोहतांग पास में स्नो। तो वैसे भी जो स्नो के लवर हैं, इवन यंगस्टर हैं, वो तो ट्रैक भी कर सकते हैं काफ़ी जगह का, तो उनको तो लगभग
12 महीने ही स्नो रहती है, तो उनके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। हिमाचल में काफ़ी ऐसे पीक्स हैं जो आप ट्रैक करके उस स्नो तक पहुंच सकते हैं। बट जो रोहतांग पास वाली स्नो का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है उन लोगों को जो जो ट्रैक नहीं कर सकते। तो आपके लिए तो इस बार बहुत ही सोने पे सुहागा है, क्योंकि इस बार काफ़ी लंबी टिकने वाली है स्नो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और जाते जाते बस आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। कमेंट सेक्शन में जाएं और वहाँ पे जो भी डाउट हैं आपके अपने मनाली के रिलेटेड, चाहे किसी से रिलेटेड, तो प्लीज़ जल्दी जाके पूछ सकते हैं आप। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।